दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अलजज़ा में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको कतर के क्वारंटीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या बिना वैक्सीन के जा सकते हैं कि नहीं, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ। तो वीडियो को जरूर दोस्तों एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, गर्ल्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ दोस्तों नमाज़ पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि 2 अगस्त से कतर में क्वारंटीन के नए रूल आए थे, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कि सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग कतर जा रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, ऑन अराइवल वीज़ा पे और फैमिली वीज़ा पे, तो आप लोग बिना वैक्सीन के नहीं जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग दोस्तों फर्स्ट डोज बिना लगवाए या नहीं जा सकते हैं। जब तक आपकी दोनों डोज प्लस 14 दिन कंप्लीट नहीं होंगे कोविशील्ड के, आप लोग कतर नहीं जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा, विजिट वीज़ा और फैमिली वीज़ा वाले लोग। और दोस्तों रही बात आपके टूर उसका जॉब वीज़ा के, आज़ाद वीज़ा के, बिज़नेस वीज़ा के, शॉर्ट टर्म वीज़ा के, मल्टी इंट्री वीज़ा के लोग, तो मैं उसमें बता देता हूँ कि दोस्तों अगर देखिए आपके वैक्सीन लगी है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके 14 दिन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और इन केस दोस्तों अगर आपके जो है एक डोज़ लगी है या कोई भी डोज़ नहीं लगी, या इन केस आपने स्पुतनिक लगा ली या कोवैक्सीन लगा ली, तो उस केस में दोस्तों आप लोग कतर जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो है लाजिम 10 दिन का होटल क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। तो और ये जो 10 दिन का होटल क्वारंटीन है दोस्तों, इसकी जो अभी फ़ीस आ रही है वो आ रही है 1377 रियाल, 1377 रियाल आपकी फ़ीस आ रही है। वो फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, भले ही आपने एक डोज़ लगवाई हो, दो डोजेस लगवाई हो, दो डोज़ के बाद 14 दिन हो गए हों, या फिर कोई भी डोज़ ना लगवाई हो, कोवैक्सीन लगवा ली हो, स्पुतनिक लगवा ली हो, लेकिन दोस्तों आपको ये जो 10 दिन का होटल क्वारंटीन है ये लाजिम करना ही पड़ेगा दोस्तों। और हो सकता है दोस्तों सितंबर तक इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केस बढ़ने की वजह से 2 तारीख से नया रूल आया है, और अभी ये कब तक चलेगा, हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना और चले, और फिर देखा जाएगा अगर केसेस कम होने लगे तो फिर हो सकता है बिना क्वारंटीन का खोल दें। लेकिन देखिए ये सिर्फ अभी एक अंदाज़ा है, एक अनुमान है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो दोस्तों यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं दोस्तों मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।